ईद मुबारक भाई, क्या हाल है भाई? आ जाओ घटिया भाई, ईद मुबारक। आपको भी चाहिए? लो आप भी ले शेष खाना। लो ये इतना पैसा पेट्रोल भरवाया करो ना, क्या हो गया? कितनी बार बोलूं? दो। ये इसको कहते बिलाल भाई, क्या कर रहे हो यार? इधर आओ ना, इधर यार। बिलाल भाई इधर आओ जल्दी। ईद के दिन क्या ड्रामे उठ गए यार? रुवन अभी हमने नमाज पढ़ ली है, ठीक है यार। बच्ची बच्चे मिल गए, कस्टम से खत्म हो गया यार। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। अब महीना गुजर गया, इस बार पता भी नहीं चला यार हमारी ईद आ गई भाई। कब से मुझे इंतजार था कि ईद कब आएगी, अब ईद बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे भाई। ऊपर से आप लोगों को पता ठंड मुझे कितनी लगी, कम्बल देखो मैंने कैसे लेके रखा हुआ है, बिल्कुल भाई खरगोश जानवर बना हुआ बिल्कुल भाई। इतनी ठंड लगी हुई है क्योंकि बाहर का मौसम बहुत खराब है। आप लोगों को वेदर में दिखाता हूँ, बाहर मैंने नोटिस किया है ना, जब भी ईद होती है ना यार, कसम से बारिश वाला मौसम बनता है। कल भी धूप थी, परसों भी धूप थी, ईद आती है ना बस उन्हीं दिनों में बारिश हो जाती है शुरू भाई। कभी वो ईद गई नहीं है जिन दिनों में, मतलब धूप रहे बंदे को मजा है, कोई ईद ऐसी नहीं गई। टाइम हो रहा है 8:10 और गाइज मेरे को जाना है नमाज के लिए। 8:30 हमारी मस्जिद में है जो है ईद की नमाज है, ईद की नमाज पढ़नी। सबसे सभी आ चुके हैं मम्मी के पास, मम्मी को भी ईद मुबारक है। सबको ईद मुबारक है, मम्मी की तरफ से भी आप लोगों को ईद मुबारक है, मेरी तरफ से तो मैंने आप लोगों को बोल ही दिया, ठीक है। अभी मम्मी क्या क्या बना रहे हो आप? यखनी और चिकन बना रहे हैं, चिकन बना रहे हो तो भाई आप लोगों को सब कुछ शो करेंगे, बस बनने की तैयारी है भाई, बना रहे हैं सब कुछ। बन जाएगा, कब तक बनेगा ये? बस बन जाएगा। चलो गाइस मैं चलता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, तब तो मम्मी आप भी तैयार हो जाओ, ठीक है। मम्मी हर दिन ईद पर तैयार नहीं होती, मैंने मम्मी को तैयार हो जाओ होती नहीं है या नहीं, मैंने होना ही नहीं है। इस बार मम्मी को बहुत तैयार भी होना है और साथ ही बनाओ आप, ठीक है। जल्दी जल्दी पर, ठीक है, खाना भी, ठीक है। महीने से कुछ खाया नहीं यार, रज के खाएंगे भाई, पूरा व्रत तोड़ेंगे महीने का। सो एवरीवन अभी हम निकल चुके हैं यार ईद की नमाज के लिए, देख सकते हो मस्जिद से आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी यार। 10-20 मिनट बचे हुए हैं, तुम्हारा भाई बिल्कुल तैयार हो चुका है भाई, देख सकते हो ऊपर से बिल्कुल नीचे तक भाई। कैसा लग रहा है आप लोगों को? जब मेरा कोई दोस्त आएगा आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा अपना आप कि मैं कैसा लग रहा हूं। ऐसे हमारा गोप्रो इतना वाइड है नहीं कि अब पूरा दिखा पाऊंगा मैं, वाइड है पर इतना भी नहीं है कि पूरा ही आऊँ मैं, ठीक है इसमें यार। और भाई तुम्हारे भाई को ईद ही मिल चुकी है भाई, आप लोगों के भाई को कश्मीर भी जाना था, शुक्र खुदा का ईद आ गई, थोड़ा बहुत पैसा बन गया है, पैसा इस बार खुला होने वाला है, ठीक है। चलो गाइस नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद खाएंगे पियेंगे, सब अपने दोस्तों वोस्तों से मिलेंगे। बाकी हमारी लैला और हमारी हबीबी ये लगी हुई है, और मैं अपनी गाड़ी और बाइक कोई भी लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि ये पैदल जाना चाहिए, पैदल आना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। तहसीन साहब ईद मुबारक, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई? बेटो आप ठीक हो? चुकी मस्जिद के बाहर, सबसे पहले ईद उल फितर कटवाते हैं और जितने भी गरीब होंगे इनको कुछ पैसे देते हैं यार। लो आप भी ले शेष खाना, लो ये लो खाना, ठीक है। ले प्लीज थोड़े बहुत अभी पैसे अपने गरीबों को दो यार, इनकी ईद भी थोड़ी अच्छी निकले यार। सब अच्छी ईद मनाते बस गरीब नहीं मनाते, तो इनकी भी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। मेरे ईद की नमाज पढ़ी? देखते व्लॉग हमारे, थैंक यू आपको भी। एवरीवन अभी हमने नमाज पढ़ ली है, ठीक है। जैसे कि सीन हो चुका है नमाज का, अब चल रहे हैं हम घर के लिए, ठीक है यार। अच्छा लगा नमाज पढ़ के, बहुत ज़्यादा दोस्त से मिले तो बहुत अच्छा लगा यार। एक रास्ते से आते हैं तो एक रास्ते से वापस जाना चाहिए, ऐसा सीन होता है नमाज के टाइम पे। दूसरे रास्ते से आया, अब मैं जा रहा हूँ दूसरे रास्ते, अब चलते हैं घर और देखते हैं घर में क्या क्या बन गया, अभी बनाया है नहीं बनाया, कम्प्लीट हुआ है नहीं हुआ है, वो भी चेक मारते हैं, ठीक है यार। सो भाई लोग अभी हम घर में आ चुके हैं भाई, आज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं अभी खा रहा हूँ भाई, देख सकते हो आप लोग चिकन, और आज क्या है यहाँ पे चटनी, और आज की हमारी फेवरेट ड्यू, मुझे पता है आधे हज़ार लोगों की फेवरेट यही कोल्ड ड्रिंक है ड्यू। सबसे पहले खाते हैं भाई, एक बाइट लेते हैं जरा ये वाली है। वैसे आज को तरसने वाला है नहीं क्योंकि सबके घर में ये बना ही होगा, और पुदीने की चटनी का ही दे सकते हो आप लोग। वाह क्या टेस्ट है। तो भाई अभी मैं आया हुआ था यहाँ पे शॉप पे, थोड़ी बाइक को मॉडिफिकेशन करानी है, मैंने थोड़ा बहुत सामान बाइक के लिए मंगाया जम्मू से, तो यार उसके लिए मेरे को सीन ये था कि मैं बाइक जम्मू लेके नहीं जा रहा हूँ, मेरे को रामू ने कोई कारीगर जैसे लगाने के लिए, तो इस शॉप पे मेरा कारीगर मिल चुका है। अभी हम अपनी नंबर प्लेट जो है ना मेरी देख सकते हो गाइस, आप लोग टूटी हुई है, तो अभी उनकी वही नंबर प्लेट लगा रहे हैं यहाँ पे, जो लग जाएगी इसको यही नंबर प्लेट। हाँ हाँ यही लगेगी इसको, लेकिन ये रिफ्टे काटने पड़ेगी। ये कैसे कटेंगी? ये करना पड़ेगा जुगाड़ भाई।
सो भाई अभी हम आए हुए अपनी बाइक के पास पे अपनी हबीबी के पास। गाइस ये लगी हुई है हमारी हबीबी। और अभी आप लोगों से मुझे एक बात शेयर करनी थी, बाइक पे थोड़ी मॉडिफिकेशन स्टार्ट करो करने के लिए, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे तीन चार चीज़ें इस पे ऑर्डर पे लगा के रखी है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि वो चीज़ें क्या करनी है और क्या नहीं करना हमने। अब ये चीज़ आप लोग देख रहे हो मडगार्ड, एक हम ये वाला रिमूव करने वाले हैं एंड अपनी टेल टाइडी जो ये भी हम रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हम रिमूव करेंगे। हमने एक न्यू टेल टाइडी एक मंगाई है वो हम यहाँ पे लगाएंगे और साथ में ये रिमूव करेंगे। ये रिमूव मैं क्यों कर रहा हूँ मडगार्ड आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जो ये टायर है ना, टायर से लुक बहुत ज़्यादा खतरनाक इसकी आती है यार। मुझे वो लुक चाहिए मुझे अपनी बाइक को, ठीक है। सिक्स मंथ बाइक कौन लग गया यार, मैंने कोई मॉडिफिकेशन कराई नहीं, बोलता था मैं आप लोगों को, ठीक है। सीन ये पैसा भी नहीं होता था साथ में, जमा होने से पैसे होते हैं नहीं, तो आजकल थोड़े भाई पैसे वैसे जमा हो रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ अच्छी तरह मॉडिफिकेशन कराऊंगा और इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद इसको रैप भी हम करवाएंगे यार। ये चीज़ भी देख सकते हो कैसे टूटी हुई है यार, ये देखते हो यार इसकी वजह से बहुत गंद लगता है। अगर ये ना रिपेयर मुझे कराना है ना ये एरिया गाइस, 10 से 20 हज़ार रुपये का होगा ये इतना सारा पार्टी। सो गाइस अभी एक सीन हो गया यार, मेरे को साहिल की कॉल आई थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं आर्मी ब्लॉगर को यार, वो भी नई बस्ती के चक्कर लगाने गया था, उसकी गाड़ी में पेट्रोल ही खत्म हो गया है भाई। अब मुझे कॉल ये कर रहा है कि पेट्रोल खत्म हो गया जल्दी बाइक पे ला के दे, अब मैं जा रहा हूँ बेचारा ईद के दिन खजल रहेगा। ओ भाई ईद मुबारक भाई, क्या हाल है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घटिया ईद मुबारक। पैसा कहाँ लेके जाना है आप लोगों ने, इतने बिजनेस खोल रहे हो ये सब कर, कहाँ लेके जाओगे? नहीं यार कसम, क्यों आप लोगों को मेरी आदत लग गई है रास्ते में, मैं जैसे मैं खजल हो जाता हूँ तुम लोग भी खजल होने चाहते हो, मैं तीन बार खजल हुआ हूँ, ठीक है। तू एक बार गाड़ी लेके एक बार बाइक लेके रास्ते में रोया हूँ, तब बंदे का पेट्रोल, जाफर ने बोला था नहीं ले नहीं लेने की, हम फिर भी ले, तब बंदे का पेट्रोल खत्म होता है ना बंदा रोता है, बोलता है 2000 का पेट्रोल अभी दूंगा ना बंदा का पेट्रोल ला के 500 एक्स्ट्रा दूंगा, मगर उस टाइम कोई लाके नहीं देता है, मेरे पे बीती है ये बात, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए आया। 100 रुपए है कैश, मैंने कैश नहीं लाया, ऑनलाइन हो जाता है, वहाँ ऑनलाइन हो जाता है, पक्का पक्का टाइम, मतलब पैसा है इतना पैसा है, पेट्रोल भरवाया करो ना, क्या हो गया, कितनी बार बोलूं मेरी वाली आदत मत रखो भाई, ये मैं सोचो का पेट्रोल है पता क्या, मैं ऐसे दिल लगी मत लगा, मेरे दिल लगी, मेरी कॉपी मत करो, मेरी कॉपी मत करो, 100 रुपए का पेट्रोल वाली कॉपी मत करो, नहीं उसकी बात बोलो, धक्का हिला इसको, हिला इसको, हिला इसको, गाड़ी चलाई कभी तूने? नहीं तो भाई कहाँ लगाई ये गाड़ी यार, इतनी रेत है यार यहाँ पे, मेरे को वहां से देने पीछे से दो इसको कहते। बिलाल भाई क्या कर रहे हो यार, इधर आओ ना इधर यार, बिलाल भाई इधर आओ जल्दी, ईद के दिन क्या ड्रामे उठ गए यार, मैं नहीं बताऊंगा, सेकंड गियर पे करना, ठीक है सेकंड गियर पे, कोई बोले समीर को इसको पता नहीं चला, ये गाइस बागे बहू आ चुके हैं, बागे बहू, बागे बहू आ चुके हैं हम, कौन जगह है बागे बहू नहीं, क्या हाल है, ठीक हो, देखते हो ब्लॉग हमारे, आप देखते हो सच में, लाइक करते हो, सच में भाई ऐसे सब्सक्राइबर मिलते हैं, अरविंद नहीं आया है, अरविंद गया हुआ है बनियाल, बनियाल गया हुआ है, वो भी आएगा, जाके शेयर करो ठीक है, लाइक शेयर, अच्छी इतने सारे बच्चे मिल गए कसम से मैं खत्म हो गया आज यार, मजा आ गया, जाके लाइक मारा करो ठीक है, शेयर भी करना है, बिल्ली नहीं मारनी है, पुलिस बैंक में मारते है ठीक है, गलत बात है, चलान करके देगा चलान, तू चलान देगा, दोगे आप कितना दोगे, 2 लाख बस भाई नहीं बच गई यार, इतना लंबा व्लॉग हो गया ना, कदम से मैं तक आ गया भाई बहुत ज्यादा।